अकबर के प्रश्न और बीरबल के जवाबों से जुड़े काफी किस्से प्रचलित हैं। कहते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। अकबर के सवालों के सटीक जवाब बीरबल के पास होते ही थे। आइए जानते हैं इन दोनों का एक ऐसा ही रोचक किस्सा, जिसमें अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े तीन प्रश्न पूछे थे। वो तीन प्रश्न क्या थे? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अजय द अनटोल्ड स्टोरी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वो तीन प्रश्न क्या थे। पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है? दूसरा प्रश्न, ईश्वर कैसे मिलता है? और तीसरा प्रश्न, ईश्वर करता क्या है? जब अकबर ने ये तीन प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर वहाँ आपको कल बताएंगे। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर बहुत चिंतित थे। बीरबल के पुत्र ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो बीरबल ने अकबर के इन तीन प्रश्नों को बता दिया। बीरबल के पुत्र ने कहा कि वह खुद कल दरबार में बादशाह को इन तीन प्रश्नों के जवाब देगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुंच गया और बादशाह अकबर से बोला कि आपके तीनों प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? इस प्रश्न के जवाब के लिए बीरबल के पुत्र ने अकबर से दूध मंगवाया जिसमें चीनी मिली हुई थी। उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा, जहाँ पना चक्कर बताइए दूध कैसा है। अकबर ने चक्कर बताया कि दूध मीठा है। तब बीरबल के पुत्र ने कहा, इसमें चीनी दिख रही है? अकबर ने कहा, नहीं, इसमें चीनी तो नहीं दिख रही है, वहाँ तो दूध में घुल गई होगी ना। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पना ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज में घुला हुआ है, लेकिन दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता। अकबर जवाब से संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे मिलता है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाई। बीरबल के पुत्र ने अकबर को दही देते हुए कहा, जहाँ पना इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। तो अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन दही माथने पर ही दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी जहाँ पना ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन का मंथन करने पर ही मिल सकता है। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए। तो अकबर ने अपना तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ बना इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। बीरबल के पुत्र ने कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे स्थान पर। अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गए। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ बना यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए और इनाम में उन्होंने बीरबल के बेटे को 100 सोने के सिक्के दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।